बच्चों की उपलब्धि 90 से 110 के मध्य में है तो वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि का, वह बच्चा जो होगा सामान्य बुद्धि का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ रहा है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है। देखिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष तक बच्चे के, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन को सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण, तुलनात्मक, विकासीय और सांख्यिकी विधि। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विकासीय वृद्धि। विकासीय वृद्धि, एक बच्चे में वृद्धि का विकास का सर्वाधिक अच्छी विधि जो है वो विकासीय विधि है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकासीय विधि। गार्डेनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी, भावनात्मक बुद्धि, अत व्यक्तित्व बुद्धि, भाषात्मक बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भावात्मक बुद्धि। गार्डेनर ने जो बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था उसमें भावात्मक बुद्धि नहीं था। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष था, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि उपलब्धि क्या होगी? बुद्धि उपलब्धि क्या होगा? देखिए ऑप्शन है 125, 80, 120 और 100। तो जब बच्चों का आयु 4 वर्ष है तो उसका जो बुद्धि उपलब्धि होगा वो 125 होगा। छठा प्रश्न है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है बीएन झा, स्किनर, डेविस और वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है ये स्किनर ने कहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्किनर। आगे जो क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु तक पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु तक पहचानने लगते हैं? तो इसका सही जवाब होगा 5 वर्ष। 5 वर्ष के आयु तक बालक जो है, बालक बालिका, वो हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं और उसको समझने लगते हैं। 8वां प्रश्न है कि एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया क्या है? तो देखिए पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता और सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया क्या है? तो एलेक्सिया जो होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता। जिस बालक में पढ़ने की अक्षमता हो वो एलेक्सिया का शिकार है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पढ़ने की अक्षमता। अगला जो क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संख्यात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 9-7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे की औपचारिक संख्यात्मक अवस्था जो है वो 11 से 15 वर्ष तक है, 11 से 15 वर्ष तक। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? देखिए 150 दिन, 280 दिन, 390 दिन और 460 दिन। तो सभी लोग जानते हैं कि गर्भ में बालक 9 माह रहता है, 9 माह रहता है। तो 30 गुने आप लोग 9 करते हैं तो 9 * 3 = 27, 270 हो जाता है। तो यहाँ पर 270 और 9 माह कुछ दिन और जाता है, तो 9 माह और 280 दिन लगभग जाता है। तो गर्भ में बालक जो है वो 9 माह ही रहता है। आप लोगों के बीच है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था? तो पेस्टोलॉजी, वाटसन, स्टेनले हॉल और जेम्स सल्ली।
किस वैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी जो था वो मनोवैज्ञानिक था, उसने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। प्रश्न है कि बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर बालक का विकास होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में गलत कथन कौन है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वर्वर्तिकार गति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकास के संबंध गलत जो है वो ऑप्शन ए है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे क्वेश्चन है कि गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, सेवावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूण अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा सेवावस्था। सेवावस्था जो है गर्भाधान काल का अवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, मानव जीवन का मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों के विकास, शरीर तथा हृदय के विकास और आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। जो मानव जीवन का सार्वभौमिक एकता जो है वो मन और शरीर का विकास होता है। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। तो देखिए गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय शिशु में हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो देखिए जन्म के समय शिशु की हड्डी की संख्या 300 होती है। तो इसमें से आप लोग को दोनों आंसर हो सकता है, या तो कम या तो ज़्यादा। तो लेकिन नज़दीक जो है उसको आप लोग ज़्यादा नहीं मार सकते हैं, क्योंकि जन्म के बाद कम होता है, इसलिए आप लोग इसको 270 मार सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 270। 18वां प्रश्न है कि बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है, बालक अपनी माँ को पहचानना आरंभ कर देता है। देखिए 6 माह में 8 माह में 9 माह में और 3 माह में। तो देखिए बालक सबसे पहले अपने माँ को ही पहचानता है, तो वो हो जाएगा 3 माह में। 3 माह में ही बालक अपने माँ को पहचानने लगता है। 19वां प्रश्न है कि बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? देखिए 300, 350, 400 और 450। तो देखिए बालक के जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क जो होता है वो मात्र 350 ग्राम का ही होता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 350 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पना जगत में विचरण होता है, कल्पना जगत में विचरण होता है। देखिए सेवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, सेवावस्था व किशोरा अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा शैशवावस्था व किशोरावस्था, क्योंकि कल्पना हम मात्र करते हैं जब किशोर हो जाते हैं, तो भी हम अपना सोच को, हमारा सोच में कल्पना आ जाता है, तो वो शैशवावस्था और किशोरावस्था में ही ये संभव है कल्पना जगत। 21वां प्रश्न है कि बालक मुख अंग रंग पहचान कर लेता है, बालक मुख रंग पहचान लेता है। देखिए 5 वर्ष में 2 वर्ष में 3 वर्ष में और 4 वर्ष में। तो इसका सही जवाब होगा कि बालक मुख रंग जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो पहचानता है वो 5 वर्ष की अवस्था में ही पहचान लेता है। तो मुख रंग जो इसको पहचानने का है वो 5 वर्ष होता है।
25वां क्वेश्चन है कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। देखिए छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और तीन पहिया साइकिल चलाना, जो देखिए तीन पहिया जो साइकिल बच्चा चलाता है वो शुरुआत में ही चलाता है। जब बच्चा खड़ा होने का शुरू करता है तब शैशवावस्था कहते हैं, उसी समय वह तीन पहिया वाला चक्का चलाना शुरू करता है जिसे वह खड़ा होना भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्न से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ कर देता है? प्रकाश की ओर, माँ की ओर, ध्वनि की ओर, भोजन की ओर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि निम्न से किस घटना को बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना आरंभ करता है? तो देखिए ये प्रकाश की ओर, जिधर प्रकाश देखेगा उधर बालक अपनी ध्यान को आकर्षित करने का काम करता है। तो इसका सही जवाब होगा प्रकाश की ओर। 24वां क्वेश्चन है कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित और सक्रिय। देखिए बालक का जिज्ञासा जो है उसको शांत किया जाता है। बालक शुरुआत में जो मांगता है उसे पूरा करने की कोशिश किया जाता है, या अन्यथा बालक का दिमाग भटकने लगता है। तो जो बालक का जिज्ञासा जो है उसको शांत करने का काम किया जाता है। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? देखिए 1930 में, 1887 में, 1879 में और 1590 में। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिन प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी हैं? रुचियाँ, आवश्यकताएँ, असुरक्षा और अभिवृत्ति। देखिए किशोर अवस्था में सामाजिक विकास का जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह है रुचि, आवश्यकता, असुरक्षा और अभिवृत्ति। तो इसका जो देखिए किशोर अवस्था में बालक को असुरक्षा महसूस नहीं होता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको कोई मोल भाव नहीं रहता है। तो इसका सही जवाब होगा असुरक्षा। क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन है? परंपराओं का धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचिंतन अवस्था, आधार मुक्त आत्मचेतना अवस्था और स्व केंद्रित अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताओं पर पुष्टित होता है वह कथन किसका है? हॉरलॉक का, जेम्स ट्रेवर का, मैकडूगल का और मुनरो का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हॉरलॉक का। हॉरलॉक विकास व्यक्ति के नवीनतम विशेषताएं और योग्यता पर पुष्टित होता है यह कहा था हॉरलॉक ने। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है कथन किसका है? जॉनसन एंड सिम्पसन का, गैसल का, स्टेनली हॉल का और ग्रिफ्रीडे का। तो देखिए किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसको उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है यह कथन जो है स्टेनली हॉल का है। स्टेनली हॉल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समान समायोजन है यह परिभाषा देने वाले हैं। हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी और ईएल पील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। तो ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद, नमस्कार।